सभी साथियों को जैकसान। साथियों, आज 10 सितंबर है और दिन है रविवार। रविवार के दिन अपने एक स्पेशल वीडियो करते हैं साथियों, जिसके अंदर जो बीता हुआ सप्ताह है उसके अंदर फसल भाव कैसे रहे और जो आने वाला सप्ताह है उसका रुझान जो है उसके अंदर फसल भाव का कैसे रह सकता है साथियों। तो आज भी चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, ग्वार, कॉटन, चना और मूंग के ऊपर। साथियों, सबसे जो पहली चर्चा है साथियों वो करेंगे कॉटन के ऊपर। देखिए, कॉटन के अंदर पिछले सप्ताह एक शानदार रुख रहा और लगभग 350 से लेकर 400 रुपए तक की तेजी बनी कॉटन के अंदर। आपको बड़ा स्पष्ट बोला था पिछले रविवार को कि कॉटन की जो फसल है उसके अंदर बड़ी पोल दिख रही है, उसके अंदर काफी बड़ा जो है एक खोखलापन दिख रहा है, गुलाबी सुंडी के कारण और भी कुछ वजह है मौसम के कारण। पहले बरसातें ज्यादा हो गई लेकिन अब जब बरसात चाहिए तब बरसात हुई नहीं, तो ओवरऑल जो क्रॉप है वो कमजोर है, फसल जो है कमजोर है, तो उसकी वजह से जो है भाव बढ़ सकते हैं। और वही हुआ इस सप्ताह, ठीक जो है रुझान बनता हुआ नजर आया। और साथ ही साथ जो है, जो आज से 15 दिन पहले की नरमा चुनाई की थी, चुगाई की थी लोगों ने, उसकी क्वालिटी जो है उसका इशू था, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि क्वालिटी का काफी ज्यादा इशू जो है साथियों लग रहा है। तो कॉटन में सुधार बना पिछले सप्ताह और एक बड़ी उम्मीद है कि अगले सप्ताह भी कॉटन के अंदर या तो भाव यथावत रहेंगे, थोड़ा बहुत ब्रेक आ सकता है लेकिन सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए कॉटन को, और जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी का जो है कॉटन बाजार के अंदर साथियों आ रहा है। ओवरऑल बात करें तो अगले सप्ताह भी पॉजिटिव, क्योंकि यूएस कॉटन का जो फंडा है वो भी मजबूती की ओर है, तेजी की ओर है। हालांकि कोई कॉटन की बहुत बड़ी मांग नहीं निकल के सामने आ रही अभी तक, हालांकि अभी ऑफ सीजन ही मानिए आप, अभी सीजन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट कुछ थोड़ा सा सीजन अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बहुत जो है कॉटन आ रहा है मंडियों के अंदर, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भी मांग जो है वो कॉटन के सामने निकल के नहीं आ रही। ये सबसे मुख्य चीज है, मांग नहीं निकलने के बावजूद भी कॉटन के अंदर तेजी बढ़ना पिछले सप्ताह में, और अगले सप्ताह का इंडिकेशन ये होना कि तेजी बन सकती है, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। फिर जब मांग बढ़ेगी तब फिर जो है हो सकता है कि काफी एक अच्छा माहौल कॉटन के अंदर बन जाए। साथियों, गुलाबी सुंडी से सारे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के किसान काफी परेशान है, कुछ खेतों में नहीं भी है लेकिन लगभग खेतों में है, जिन लोगों ने बहुत बारीकी से जाके देखा है तो काफी फील्ड के अंदर जो है गुलाबी सुंडी का अटैक है, और जो अगेती फसलें थी उनके अंदर भयंकर अटैक है। आपके इलाके में कितना फर्क रह सकता है गुलाबी सुंडी से, क्या औसत आ सकती है प्रति बीघा, जिसको अपने बोलते हैं 5 केनाल का बीघा राजस्थान के अंदर होता है, हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल से 8 केनाल, पंजाब के अंदर 8 केनाल का होता है। तो आप भी साथियों के कमेंट करके जरूर बताना। तो कॉटन में एक अच्छा माहौल साथियों बन सकता है। बात करेंगे साथियों सरसों की। देखिए, सरसों का जब से बाजार ने, सरकार ने ये खबर कही है कि हम लोग नेफेड और की इनकी तरफ से जो है सरसों को बाजार के अंदर उतारेंगे, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, और हम लोग सरसों का बेचान करेंगे, तब से साथियों एक डर का माहौल सरसों के अंदर बना हुआ है। जो सलोनी के बाजार 6425 रुपए पहुंच गए थे, जो हाजिर की जो लोकल की मंडियां हमारी है वो लगभग 5600 की तरफ बढ़ने ही लगी थी, यानी कि एमएसपी का बहुत बड़ा रोल रहेगा सरसों में। ये बात मैंने आज से 6 महीने पहले बोली थी, जो साथी रोज सुनते हैं उनको शायद याद होगी, मैंने कहा था कि एमएसपी के इर्द गिर्द ही घूमेगी सरसों, और उस टाइम मैंने बहुत फोर्स भी किया था सभी को कि एमएसपी के ऊपर अगर सरसों बिकती है तो उसको बेचान करना चाहिए, क्योंकि पड़ी पड़ी अब अगर उस टाइम पूरी बिक जाती है एमएसपी के ऊपर तो आज तक वजन का भी काफी फर्क रह जाता है। तो जैसे ही एमएसपी से ऊपर बढ़ा तो फिर सरकार ने एक खबर लॉन्च की, हालांकि अभी उसकी कोई तैयारी नहीं लग रही है, अभी G20 का जो सम्मेलन चल रहा है सरकार अभी उसके अंदर व्यस्त है तो अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने एक खबर जारी की और उस खबर के बाद जो है सरसों के अंदर काफी बड़ी जो है गिरावट देखने को मिली है, और सारे बाजार शुक्रवार और शनिवार को 200 से 250 रुपए तक जो है लुढ़कते हुए साथियों नजर आए। हालांकि एक बड़ी उम्मीद बन रही थी, अब जैसे जैसे आगे त्योहारी सीजन आ रहा था, ये जो त्योहार है दशहरा है, दीपावली है या दूसरे जितने भी त्योहार हैं, तो वो तेलों की खपत वाले त्योहार हैं, वहां पर मिठाई बनती है, वहां पर जो जो ये होटल की लाइन है उनके अंदर तेल की काफी खपत होती है, सरसों के तेल की और दूसरे ऑयल्स की भी। तो एक उम्मीद बन रही थी कि शायद सरसों में सुधार बने, लेकिन सरकार की उस खबर से एक बड़ा नुकसान हुआ है सरसों के किसानों को। अब देखते हैं कितनी सरकार कितनी रिलीज करती है अपनी जो उनकी जो हायर की हुई जो कंपनियां एजेंसी है उनसे कितनी सरसों बेचती है बाजार के अंदर, किस भाव को उतारती है,
वो देखने वाली बातें हैं साथियों। खैर चुनावी साल है तो ये खबरें, ऐसी खबरें सुनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, तो अपने कानों को इस चीज के लिए तैयार रखिए कि कभी भी ऐसी खबरें जो किसान को नुकसान और शहर को फायदा करे आ सकती है, ज्यादा घबराने की बात नहीं। बात करें साथियों ग्वार की, तो ग्वार के अंदर भी देखिए पिछले सप्ताह आपको बताया था कि एक ब्रेक आ सकता है और ब्रेक का दौर चल रहा है। हालांकि 3 दिन से ग्वार का बाजार जो है बिल्कुल स्टेबल है। हाजिर की जो मंडियां हैं वहां पर थोड़ी सी रौनक लूटी है, लेकिन बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं है। उसका जो ग्वार है, ग्वार का काफी साथी जो ज्यादा जानकार है, देखिए मैं तो आपके जैसा ही हूं, मैं तो आपकी तरह किसान हूं एक, और मंडी भाव आपको बताता हूं रोज, कोशिश करता हूं कि सभी किसान भाइयों के पास मंडी भाव जो है सही से पहुंचे, ताकि हमें पता रहे कि हमारी मंडी का और दूसरी मंडी का कितना फर्क है। कम से कम इस वीडियो का इतना तो फायदा हमें मिले। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनका ये मानना है कि ग्वार के अंदर 20 सितंबर के बाद थोड़ा बहुत जो है सुधार आना चाहिए। अब वो सुधार आप ये नहीं लगा लें कि 9,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन पॉजिटिविटी बननी चाहिए, रुख एक अच्छा बनना चाहिए। ग्वार की भी कोई बहुत बड़ी डिमांड जो साथियों निकल के सामने नहीं आ रही है, और ग्वार को कुछ बड़े कॉरपोरेटर लोग जो है वो चला रहे हैं, उनके हिसाब से जो है बाजार चल रहा है। खैर ये एक अलग जो है विषय है, अलग एक टॉपिक है साथियों, लेकिन ग्वार में बड़ी गिरावट तो देखिए नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट भी आ जाएगी। 6,000 के इर्द गिर्द तो अब भाव जो है रहनी चाहिए, और अभी भी 6,500 कुछ मंडियों में 6,300 रुपये भी जो है ग्वार साथियों बिक रहा है। बात करें साथियों चना की, तो चना में भी देखिए जैसे सरकार ने कहा था कि दालों के भाव को अनियंत्रित नहीं होने दिया जाएगा चुनावों के मद्देनजर, तो चना के भाव में गिरावट का दौर देखने को मिला था, और पिछले सप्ताह लास्ट में जाते जाते 200 से लेकर 225 रुपए तक चना के भाव के अंदर गिरावट आई है। हालांकि मैंने चने के बारे में आपको स्पष्ट बोला था कि सरकार दाल और आटा कभी तेज नहीं होने देगी, चुनावी साल है ये कंफर्म है बिल्कुल, और दालें जितनी भी है चाहे मूंग की भी है, तो चने में जो है 200 से 250 का एक गिरावट रही थी, और अगले सप्ताह भी चने में कुछ जादुई तेजी जो है मेरे को तो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि थोड़ा बहुत सुधार भी मुश्किल लग रहा है, ब्रेक लग रहा है चने के अंदर, एक ब्रेक बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें साथियों मूंग की, बड़ा ही हॉट विषय है इस टाइम का, बड़ी जो है लेटेस्ट ये फसल है अभी, और मूंग के भाव आसमान को छूते हुए नजर आ रहे थे, 12,000-13,000 तक भी मूंग बिक गए। लेकिन जैसे ही एक दिन सरकार ने तुअर के ऊपर बाहर से तुअर की दाल जो मंगवाते हैं जो व्यापारी लोग, उनको टैक्स फ्री कर दिया, उनको ये बोला कि आप कितनी भी बाहर से मंगवाइए लेकिन रेट नहीं बढ़ना चाहिए, हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, उस खबर का असर मूंग चना मोठ इन सब फसलों के ऊपर साथियों पड़ा, तो उसके अंदर मूंग भी दड़ा गया, मूंग को भी नुकसान हुआ है। और मूंग की ओवरऑल बात करें तो मूंग के भी जो है साथियों अगले सप्ताह के भी बहुत बड़ी तेजी के आसार जो है बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। गेहूं भी स्टेबल रहेगा और लगभग जौ भी स्टेबल रहेगा साथियों, और मोठ थोड़ा मजबूती में है, लेकिन मोठ भी जो है कोई बड़ी तेजी अगले सप्ताह दिखाई नहीं दे रही है। और बात करें साथियों कपास की, देसी कपास की, उसमें जो है थोड़ा बहुत सुधार 100-125 रुपए का हो सकता है साथियों। तो कल मिलेंगे 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।